Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today, our topic of discussion is a summary of the poem, which is The Four Hills. We will discuss the summary in this lecture. Summary of The Four Hills. ठीक है, तो ये है summary of The Four Hills. मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ है, तो ये आप लोग हम जो है पढ़ के सुनाऊंगा, मैं आप लोगों को सुनेंगे आप लोग, ठीक है. द पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, तो द फोर हिल्स की जो पोइम कल हमने डिस्कस की है वो लिखा किसने है, इट हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि एक पोइट थे, उन्होंने ये पोइम लिखा हुआ. ठीक है, ही इज नाउन एज द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ इट्स लव फॉर इट. ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ जो है वो पोइट ऑफ नेचर के नाम से मशहूर है. ठीक है, यानी वो कुदरती चीजें, कुदरती मनाजिर, इन चीजों पे, फूलों के ऊपर, लेक्स के ऊपर, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में, मुख्तलिफ चीज, ऐसी कुदरती जो चीजें हैं, नेचर मीन्स यहाँ कुदरत मुराद है. ठीक है, कुदरती जो चीजें होती हैं इनके बारे में वो शायरी लिखते हैं, जिसकी वजह से उसको पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ को. ठीक है, तो द पोइम हैज बीन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ही इज नाउन इज द पोइट ऑफ नेचर बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट. ठीक है, तो यह नेचर से, कुदरती चीजों से एक लगाव, एक प्यार भी था. ठीक है, वो अक्सर तौर पर खुले खुले जो मैदान हैं, बाग हैं, ठीक है, या सरसब्ज पहाड़ियां हैं, उन पे अकेले घूम फिर लेता था. ठीक है, तो ये उनका तरीका होता था, और एक प्यार, एक लगाव था नेचर के साथ, तो इस वजह से उसको पोइट ऑफ नेचर कहा गया है. मोस्ट ऑफ हिज पोइम्स डिस्क्राइब नेचर एंड इट्स ब्यूटी. ठीक है, तो कहता है ज्यादातर उसकी पोइम्स जो हैं, जो लिखा है, वो डिस्क्राइब करती है. डिस्क्राइब मीन्स बयान करना, वजाहत करना, किसकी, कुदरत की, कुदरती चीजों की, और कुदरती चीजों की जो खूबसूरती होती है इसके बारे में वजाहत करती होती है. उसकी ज्यादातर पोइम्स के अंदर कुदरती चीजों के खूबसूरती के बारे में जिक्र आप लोगों को मिलता होता है इन दिस पोइम. ठीक है, इस पोइम के अंदर, यानी ये जो पोइम द फोर हिल्स से है, अब इसकी बात चल रही है. इन दिस पोइम ही शेयर्स विद अस हिज एक्साइटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एंजॉयमेंट एट द साइट ऑफ ब्यूटीफुल द फोर हिल्स. ठीक है, तो कहता है इस पोइम के अंदर ये हमारे साथ शेयर करता है, ये हमारे लिए बताता है कि एक अपना तजर्बा बताता है खुशी का. ठीक है, वो कौन सा, वो जब ये जो आबी नरगिस हैं इनके साथ जो टाइम गुजरा था उसका एक वक्त में, वो हमसे क्या करता है, बयान करता है हमारे सामने, हमें भी बताता है कि कुदरती चीजें, यानी जिस तरह की डेफोडिल से हैं, आबी नरगिस हैं, तो इनके माहौल में इनके साथ बैठना, उनको एंजॉय करना, देखना, ठीक है, सूंघना, टच करना कितना अच्छा होता है. ठीक है, इस बारे में बताता है. ही स्टेट्स दैट वंस ही वाज वॉकिंग इन द कंट्री साइड. तो वो कहता है एक दफा वो किसी गांव में जो है वो पैदल सफर कर रहे थे. ठीक है, कंट्री साइड गांव. ही सडनली केम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ फोर हिल्स. तो वो अचानक से उसकी नजर बहुत सारे आबे नरगिस के फूल पे पड़ती हैं, ग्रोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ लेक. ठीक है, किसी दरिया के, किसी तालाब के इर्द गिर्द जो है वो लगी हुई होती हैं. क्या नाम है, डेफोडिल्स. द फ्लावर्स वर इन द फ्लड ब्लूम. ठीक है, फ्लड ब्लूम ये इडियोमेटिक टर्म है, इसका मतलब है बहुत ज्यादा मिकदार में होना, अ लार्ज अमाउंट. ठीक है, बहुत ज्यादा मिकदार में होना, तो ये किसको जाहिर करता है, फ्लड ब्लूम, FLOOD. वैसे फ्लड कहते हैं तूफान वगैरह जो फ्लडिंग होती है, तो ब्लूम, ये दोनों मिल के अलग मीनिंग देते हैं, उनका अलग अलग मतलब क्या है वो अलग 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 होता है. ठीक है, तो
एक साथ मिल के उनका मीनिंग अलग होता है। तो फ्लड ब्लूम कहता है, ठीक है, तो एक ज्यादा मिकदार में जो झील के किनारे जो लेक था, एक लेक के किनारे पे वो देख रहे होते हैं, तो कहते हैं एक लाइन में, एक कतार में जो है बहुत सारे फूल्स वहां पे थे आबी नरगिस के। द कूल ब्रीज वास ब्लोइंग, और साथ ही जो है सुबह की जो हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो भी चल रही थी मामूल के मुताबिक। द डेफोडिल्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है, इसी हवा में जो डेफोडिल्स हैं वो झूमते थे, वो डांस करते दिखाई दे रहे थे, नाचते दिखाई दे रहे थे। द साइट डिलाइटेड एंड फैसिनेटेड द पोइट एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, डिलाइट इट मीन्स खुश करना। तो कहता है ये मंजर, अब साइड यहाँ पे मंजर के लिए, तो ये मंजर तो जो पोइट है उसके जहन में एक सुकून, एक आराम पहुंचा देता है और उसे खुशी महसूस होती है ये सारा मंजर देखने के बाद। तो फिर क्या करता है वो पोइट, काफी देर तक वहां रुके हुए है, ये सब देख रहा होता है, सबका मजा ले रहा होता है। दिस साइड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी, लास्टिंग ना खत्म होने वाला, ठीक है। तो ये मंजर जो था ये क्या करता है पोइट के दिमाग के अंदर एक न खत्म होने वाला एक इम्प्रेशन डाल, एक तासुर डाल देता है, ठीक है, इम्प्रेशन कहते हैं तासुर। एज अ रिजल्ट, तो कहता है इस जिसकी वजह से, वेन एवर, जब कभी हम, ही इज अलोन एंड इन अ सेट मूड, ठीक है, तो कहता है ये सारे मजा जो है ये इम्प्रिंट हो गया, उसका तासुर जो है, कल जो इस पर हम बात कर रहे थे कि आप कोई चीज आप जो है आपके जहन में याद दिलाई जाए, इससे पहले जो हो गई थी जिस तरह क्लास की एग्जाम्पल लेके मैंने कहा था, तो वो एक क्या होता है वो तस्वीर में हम चीजें ला जाते हैं। तो कहता है पोइट की भी क्या है वो एक बहुत देर पा एक चीज जहन में बैठ गया है, जिसकी वजह से अब क्या होता है जब भी वो अकेला होता है या उसका मूड जो है वो सैड होता है, गमगीन हो जाता है किसी वजह से, कोई द सेम साइड कम्स इनटू हिज इमेजिनेशन, इमेजिनेशन कहते हैं तस्वुर, ठीक है, तो वही मंजर उसके तस्वुर में जब वो लाया आता है तो क्या होता है उसे फिर से खुशी मिल रही होती है। तो वो जब भी पोइट, यानी कहने का मतलब ये है जब भी पोइट को कोई परेशानी होती है, ठीक है, किसी वजह से वो गमगीन होता है, तो वो क्या करता है वो उस मंजर को अपने आंखों के सामने ले आता है, उन चीजों को तस्वीर में ले आता है जिसकी वजह से उसको खुशी मिल रही होती है, ठीक है। आगे जी मैं अब्दुल रऊफ आपकी तरफ आता हूँ, आपने हैंड रेस किया हुआ है जी, कोई सवाल तो नहीं है सर? ये थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। ठीक है ठीक है, वो ऑलरेडी भी आप शोर में इतनी बैठे हुए हैं तो फिर मसला इस वजह से है ना, मैं तो ऊंचा करता हूँ, मैं फिर भी करता हूँ। द साइट, हमने यहाँ से मैं जहाँ पे कर्सर लेके गया वहां पे, दिस साइट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी, ठीक है, तो इस मंजर की वजह से एक तस्वीर जो है वो एक ख्याल में बैठ गया है ये सारा मंजर। एज अ रिजल्ट व्हेन अवर He is alone and in a set mood. तो अब इसके बाद जो है वो जब भी अकेला होता है या किसी वजह से वो गमगीन होता है, the same sight, ये जो मंजर था उसने कई दिन पहले देखा था, comes into his imagination, वो उसके तस्वीर में आता है जिसकी वजह से वो खुशी महसूस करता है। अगेन द पोएट्स हार्ट इज फिल्ड विद प्लेयर, ठीक है, ये तीन चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे इस बुक के यूनिट में से, ठीक है। तो सिमिली के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था, सिमिली जो है दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान मुवाजना करवाना है, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज, ठीक है, लाइक और एज को यूज किए दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान मुवाजना करवाना, हमने कहा सिमिली होती है। जैसे मिसाल लिया था, हर आईज ट्विंकल लाइक स्टार्स और शी वॉज एज बिजी एज बी, ठीक है, वो शहद की मक्खी की तरह मसरूफ है। इसी तरह नेक्स्ट जो है मेटाफर है, इफ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है, टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक, देन वी यू आर यूजिंग अ मेटाफर, ठीक है, लाइक और एज को यूज किए बगैर
हम कम पर मुआवजा जब करवाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेटाफर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। ठीक है, ही प्रूव लाइक अ लाइन इन द फाइट, तब क्या होगा, सिमिली। लाइक को हटा के हम सिर्फ कहेंगे ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, तो वो क्या होगा, मेटाफर। इसी तरह हिज हार्ट इज रेड रेड रोज, तो हिज हार्ट इज लाइक रेड रोज कहेंगे, सिमिली, सिर्फ हम रेड रोज कहेंगे, मेटाफर। इसी तरह पर्सोनिफिकेशन जो होती हैं वो इंसान की खसूसियात, क्वालिटीज जो हैं, बेजान चीज को देने को क्या कहते हैं, हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट आर आइडियाज, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज। ठीक है, द कैंडल फ्लेम डांस इन द डार्क, तो इंसान की क्वालिटी है, डांस करना क्या है, इंसान की खसूसियत है, उसको किसी और बेजान चीज को दे रहे हैं हम, फ्लेम को, कैंडल को दे रहे हैं, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, या जिस तरह शिकायत वीपिंग। ठीक है, तो वीपिंग, रोना इंसान की क्वालिटी है, उसको शिकायत को देना है, बारिश हो रही होती है हम कहते हैं ना, तो इसको फिर हम कहेंगे मेटाफर। ठीक है, सॉरी, पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह द सन फ्लावर्स नॉडेड इन द विंड ग्यू। ठीक है, अब नॉडेड, सर हिलाना इंसान की खसूसियत है, तो फ्लावर्स जो हवा से वो हिल रही होती है, उसको सर हिलाने से तशबीह दिया है, तो इसी को अगेन हम जो है पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज है आपके बुक में, ये है, इसको करने के लिए ये मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, टाइम इज मनी, ये क्या है, ये सिमिली। ठीक है, सॉरी, ये मेटाफर है। ठीक है, हियर इज अ लिस्ट ऑफ सिमिलीज, मेटाफर्स एंड पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, और द एपल ऑफ माई आई, ठीक है, ये भी मेटाफर है। एस बिजी एस बी, ये सिमिली है। एस कनिंग एस फॉक्स, ये भी सिमिली है। ठीक है, क्योंकि एज यूज हुआ, एज और लाइक यूज होना सिमिली होता है, और एज और लाइक यूज के बगैर जो है मेटाफर कहलाता है। द विंड विस्पर द र्यूमर ऑफ द फॉरेस्ट, पर्सोनिफिकेशन है, विस्पर, सरगोशी करना इंसान की खसूसियत है, तो विस्परिंग। ठीक है, ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है, बेग करना भी इंसान की खसूसियत है, मांगना। एज जेंटल एज लैम, सिमिली है। एज वाइज एज इन ऑल, बी सिमिली है। द सॉरी इंजन विस्ट इज डेथ कफ, ये पर्सोनिफिकेशन है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, मेटाफर है। द हार्ट ऑफ लायन, ये भी मेटाफर है। एज ब्लैक एज क्रो, ये सिमिली है। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल थे। ठीक है, जो हमने कल डिस्कस किए, इसके अलावा शामिल ये हैं कि ये डी जो यहाँ पे मैं कर्सर लेके गया हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। ठीक है, तो पहले में आता है ही रन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन, बट आएगा। दूसरे में वेट टिल आई रिटर्न, इसमें टिल आएगा। थर्ड में वर्क हार्ड अनलेस यू शुड फेल, ठीक है, अनलेस, ठीक है, या लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल भी कर सकते हो, LEST, लेस्ट। ठीक है, आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इनवाइट मी, ठीक है, इसी तरह यू विल गेट प्राइज इफ यू डिजर्व इट। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्सरसाइज, इसके अंदर हम कंजंक्शंस पुट करते हैं। ठीक है, तो मैं ये PDF तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है,